आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के लगातार राफेल पर बयान के बाद नाखुश बीजेपी ने आज कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में आते ही बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने निशाने पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने राफेल मामले में राहुल गांधी से देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है। दरअसल राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भाजपा कांग्रेस का घेराव करने में जुट गई है। भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमले कर रही है। राफेल डील पर जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष पूरे देश की जनता को झूठ बोलने के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका जवाब इस देश के अपने 14 तारीख के डिसीजन में जो कहा है कि राफेल डील के अंदर किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं हुई है, सारी चीजें नीतिगत और आवश्यक थी उसके आधार पर हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के बयानबाजी और समाचार पत्रों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का समय खराब नहीं करना चाहिए, इसमें सारी चीजें हुई है वो ट्रांसपेरेंट है। इसको लेकर के पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिला केंद्रों पर आज हमने राहुल गांधी को संवैधानिक पद से बर्खास्त करने की मांग की है और इस प्रकार के झूठ का पर्दाफाश पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरने के माध्यम से किया है और आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, उनको बर्खास्त किया। कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग की है। वहीं रीवा में धरने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि झूठ बोलने वाले राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई की जाए। साथ ही आरोप लगाया है कि राहुल ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। 15 साल प्रदेश की सत्ता का सुख लेकर विपक्ष में पहुंची भाजपा ने आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। जगह जगह धरने प्रदर्शन और रैलियों का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।